तो फाइनली गेट पहुंच चुके हैं और कितना दूर है वो तो पता नहीं है। तो भाई लोग हम लोग जैसे प्रसाद वगैरह ले रहे हैं और देख सकते हो तो यमुना रिवर यमुना वहाँ गर्म कुंड में गंगोत्री में नहाया था ना वो पानी ज़्यादा ही गर्म था, बट ये वाला इतना गर्म नहीं है, नॉर्मल है। और इसमें बहुत इसे पानी देखिएगा। मैं बोल रहा था भैया लोग कि रास्ता आगे ब्लॉक है, तुम लोग आज रह जाओ कल सुबह। तो है नमस्कार भाई और बहनों, सबको स्वागत है और एक न्यू प्यारे से वीडियो में। तो कल तो हम लोग इधर में अमीर वाले होटल में रहे, मतलब रिजॉर्ट में। तो अभी इधर से जानकी कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर, और उधर से 5 किलोमीटर यमुनोत्री के लिए, ठीक है। तो इधर से हम लोग पैदल निकल रहे हैं, पैदल ही जाएंगे, साइकिल इधर रख दिया है कि उधर में जाके भी नीचे साइकिल रखना पड़ेगा, कहाँ रखोगे, ये सब थोड़ा दिक्कत वाली बात है। तो इधर रख दिया है और देख सकते हो भयंकर वाला फॉग। ओहो, अब इसको उठा उठा के लेके जाना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी उपाय नहीं है। साइकिल से तो शॉर्टकट नहीं मार सकता, बट पैदल आया हूँ 3 किलोमीटर तो शॉर्टकट तो आराम से हो जाएगा। देख सकते हो ये रास्ता ऐसे गलत घूम के आता है, हम लोग शॉर्टकट को। तो भाई जंगल में बहुत डेंजरस डेंजरस पेड़ पौधा है। कल तो मेरा भयंकर हाल हो गया, अभी भी जलन कर ही रहा है, 24 घंटा लगेगा ठीक होने में। जानकी सट्टी हो वाला, तो चलो फटाफट दर्शन करने चलते हैं। वो 3 किलोमीटर तो आ चुके हैं, अभी से 7 किलोमीटर है शायद। हाँ जा रहे भाई, हालत ख़राब है। रास्ता देखो यार, यमुनोत्री मंदिर तक रास्ता किस तरह का ही है, पूरा भयंकर वाला। और देख सकते हो आप लोग इसे कितना प्यारा पानी बह रहा है, यमुना रिवर। और मैं जैकेट खोल लिया भाई, बहुत ही गर्म हो गया था बॉडी। और बच्चा को देखो, बच्चा अभी वीडियो कॉल में बिजी है, अभी तक पूरा मंदिर तक वीडियो कॉल करेगा वो। तो फाइनली गेट पहुंच चुके हैं और कितना दूर है वो तो पता नहीं है। मेरा बच्चा क्योंकि मेरा बैग उठा रहे, दे दे दे, थैंक यू बच्चे। ऊपर में गर्म कुंड है, गर्म कुंड में नहाएंगे इस बार। कितना किलोमीटर भैया, कहाँ से? इधर से यमुनोत्री 4 किलोमीटर है। और ये नेपाली भैया और ये भी नेपाली भैया, पैसा का कुछ डिस्कशन कर लिया है, मतलब केस दे दिया भैया ने, ये गूगल पे मार दिया। वो भाई भाई मिल गया ना, तो सही है। और अभी निकल रहे हैं और जब दर्शन करके आएंगे इधर ही खाना पड़ेगा मैगी वगैरह, क्योंकि मैं नीचे नहीं जा पाऊँगा, पूरा एनर्जी नहीं है। अरे अरे यार वो चेक करो यार, मेरी क्यों फट रही है, कल भी ठीक नहीं था, आज भी ऐसा हो रहा है। और उनको देखो चलो खच्चर में उठ के जा रहे हैं, ऐसा जानवर हो या आदमी हो, आदमी तो हर जगह आराम ढूंढता है बट जानवर को नहीं मिलता है। और इधर में ठंडा के मौसम में ना दुकान देख रहे हो, सब लोग बंद करके चला जाता है क्योंकि 5 फीट तक बर्फ़ गिरता है इधर भाई साहब। दो एक छोटा सा ब्रेक नुकसाए, और लोग तो यार खच्चर में जा रहा है उठ के, इतना आराम आराम से जा रहा है। हम लोग तो भाई बिना खाए हुए सुबह निकले थे, वो भी 12 किलोमीटर जैसे पैदल आ चुके, 12 किलोमीटर नहीं होगा, 8 किलोमीटर जैसा, और ऊपर तक तो शायद 10 हो जाएगा। तो छोटा सा चाय पी लिया है और थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिया, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा है बस, एक चाय पी लिया। मंजिल करीब है दोस्त। चलो यार, मेरा बैग छोड़ के आ गया एक दुकान, नेपाली दुकान में, इसका भाई के दुकान में, और जो कपड़ा लाया था इसके वो उधर बैग में दे दिया, क्योंकि मेरे लिए उतना ही मुश्किल हो चुका है और बैग कैरी करके नहीं जा सकता। तो देख सकते हो इतना दर्दनाक रोड है, नीचे तो पूरा खोखला है यार। चलो और इधर चेक कर सकते हो, पूरा पॉकी पॉक है पूरा। अरे आपका पॉइंट मिल गया, चलो भैया बाय। तो भैरव मंदिर में गया, थोड़ा दर्शन वगैरह किए, टिका विका लगा लिए, बहुत सही लग रहा है। भैया जाएगा, एक भैया रह गया, एक भैया आ रहा है मेरे साथ। तो क्या सीन है, मैं ज़रा खुश हो जाता हूँ ना तो कुछ ना कुछ चीज़ भूल जाता हूँ, पता है। वो मेरा एक अब बोलते तो बहुत पहले से ही ऐसा है मेरे साथ। तो चलो फिर से लेके आ गए, अभी जा रहे हैं सोतू और सर, ऊपर में बैठ रहे पुलिस तक, सब साथ में चलेंगे। फाइनली पहुँच गया, देख सकते हो और ज़रा नहीं है शायद 500 मीटर 200 मीटर। हाँ वाह। तो भाई लोग हम लोग इधर से प्रसाद वगैरह ले रहे हैं और देख सकते हो तो यमुना रिवर यमुना वहाँ। तो इधर से थोड़ा अपना रुकी है प्रसाद वगैरह ले रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं ये वाला ले रहे हैं, और इसमें साउल वगैरह है, ये साउल डालना पड़ेगा सूर्यकुंड में, मतलब इसको कैसे बोलूँ, बॉयल करना पड़ेगा, उसके बाद सराहना पड़ेगा, बहुत काम है, मैं समझाऊँगा उधर जाके। चलो
तो प्रसाद सब आ गई है। बिल्डिंग बनाना है मेरा, तीन फ्लोर वाला बिल्डिंग। तो भाई फाइनली गर्म कुंड आ चुकी है, शायद आई है। तो भाई स्नान करते चलते हैं यार, वीडियो वगैरह नहीं बनाऊंगा, फटाफट दर्शन करने जाना है भाई। तो सब कपड़ा वगैरह इधर रख दिया अपन, मोबाइल वगैरह सब। तो चलो जय यमुना माँ की। गर्म कुंड में गंगोत्री में नहाया था ना, वो पानी ज़्यादा ही गर्म था, बट ये वाला इतना गर्म नहीं है, नॉर्मल है। और इसमें बहुत 10 मिनट जैसा मैं स्नान किया और जहाँ जहाँ दर्द हो रहा था तो उसमें थोड़ा मजाज वगैरह कर दिया है, तो अभी थोड़ा रिलैक्स वाला फील हो रहा है। अभी कपड़ा चेंज करते हैं, उसके बाद जाते हैं दर्शन करने। पुरुष देवता है वो पूरा भयंकर गर्म पानी होता है ना, उसमें पूजा वगैरह कर लिए और उसमें चावल बॉयल होने के दिए है। इसे कौन है देखिएगा, ये सेक करो। फाइनली पहुंच गया भाई लोग, आप लोग सेक कर सकते हो। कितना प्यारा मंदिर, होए 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 होए। कितना दिन के बाद यार मैं मंदिर के अंदर नहीं गया हूँ अभी तक, बट जाऊँगा। पहले थोड़ा बैठ लेता हूँ, देख लेता हूँ हर चीज़, क्योंकि और आना तो पॉसिबल है नहीं हम जैसे ज़िंदगी के लिए, हम जैसे आदमी के लिए। तो भाई लोग अपना जो किया है दर्शन हो गई है, अभी प्रसाद वगैरह मतलब जो बाकी जो इसमें खरीद के लाने में जो प्रसाद आता है सब कुछ सरा दिया है। बस एक ही बात, एक ही चीज़ बाकी है जो बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है, मंदिर भी क्यूट है और दर्शन भी बहुत बढ़िया। पंडित जी इधर का बहुत ही बढ़िया है, क्या बोलो, बहुत ठंड लग रही है, बहुत ठंडा है, देख सकते हो पूरा फॉक फॉक होकर रखा है, बट ठीक है यार। व्हाइट वाला है, दोनों व्हाइट वाला है। हाँ ये दोनों, ये कहाँ कहाँ सराना है, ये घर के लिए, ये कोई नहीं चढ़ेगा, घर के लिए विशेष प्रसाद ही जाएगा। ऐसा ही है, थैंक यू। हाँ गर्म है। और इधर ये एक मंदिर है सूर्य देवता का, देख सकते हो। और ये सूर्य देवता का मंदिर से ही आटा है गर्म पानी, और ये बॉयल भी हो गया है। और ये देख सकते हो लोग इसमें ये गाँट के मन्नत मांगता है, जैसे कि हमने भी कुछ मांगा है, जो मिले तो बढ़िया है। गर्म है भाई, बहुत गर्म है, बहुत गर्म है पानी नीचे, तो भाई बहुत डायलेशन होके जाता है ऐसे समझ लो आप। लेकिन ये जो मंदिर से जो निकलता है वो बहुत मतलब गर्म है भाई, बता नहीं सकता। और बच्चे उधर कुछ बात कर रहा था तो मंदिर में अच्छी तरह से उसका वो नहीं हुआ, मतलब जो मन से कुछ मांगता है वो नहीं हुआ, अभी वो पूरा ध्यान लगा रहा है। मैं भी 10-20 मिनट पूरा बैठा आराम से देखा यार, मज़ा आ गया। और ये कहीं पर सरेगा नहीं, ये घर के लिए होता है, ये घर में सब समझा दिया है, बोला है जहाँ धन रखते हो उधर दौड़ाना रखो, और अपने घर को बहुत कुछ बोला है। तो हिस्टोरिकल मंदिर, हर हर महादेव, जय श्री यमुनाथ। और ये साइड से यमुना नदी बह रहा है, और दो नंबर बात है थोड़ा यमुना नदी का भी पानी लेके जाएंगे, मतलब ये तो दूसरा काम के लिए काम नहीं आता है, हर चीज़ में गंगा काम आता है, गंगा पानी। लेकिन ये मैं अपने लिए घर में सजा के रखने के लिए लेके जाऊँगा, कि मैं भी इतना दूर आया था कि तो हम लोग जा रहे हैं। ओ भैया लोग बद्रीनाथ में मिल रहे हैं हम लोग सब लोग, ठीक है भाई। तो चलो हम लोग अभी निकल रहे हैं इधर से। ये है प्यारा मंदिर, ये सूर्य देवता का मंदिर, ये है इधर गर्म पानी। चलो बहुत ठंड है यार, जैकेट पहनना पड़ेगा जाके। ये एक मंदिर है और ये गर्म कुंड है नीचे, इसका नीचे गर्म कुंड है, और देख सकते हो नज़ारा। चलो चलते हैं, सुबह से कुछ भी खाया भी नहीं, और अभी जाते हैं, आज हम लोग धारा सुतम निकलना है फटाफट करके, हर हर महादेव। ये गर्म कुंड है, इसमें ही सब लोग नहाते हैं, मैं दिखाना भूल गया था। पंडित जी बाय, हर हर महादेव। चलो 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 चलो। यार इतना अच्छा लगा यार मंदिर में आके, ठंडा बहुत है इधर, ठीक है, लेकिन वो गर्म कुंड का पानी पूरा गर्म करा रखता है जगह को। इधर में सप्पल सब रखना पड़ता है, आप लोग ये ब्रिज जब पहुंच जाओगे तब सप्पल इधर में सोड़ना पड़ेगा। अभी मेरे को वो टोकन देना पड़ेगा, अभी भैया मेरे को चप्पल ले देगा। भाई देख सकते हो गर्म पानी और ठंडा पानी कुछ पता नहीं चल रहा यार। अरे यार पानी कैसे डालूंगा यार, इतना धार है पानी का। ओ गाइस मैं बिल्डिंग बनाना भूल गया था, ओ माय गॉड मैं बिल्डिंग बना देता हूँ यार। यस चलो चलो, मेरा बिल्डिंग नीचे का बहुत हार्ड होना पड़ेगा, ठीक है। ये नीचे वाला हो गया मेरा, और आपका ज़्यादा नहीं, मेरा 3 फ्लोर का बिल्डिंग चाहिए भाई, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। ये वाला और बस ये वाला हो गया मेरा बिल्डिंग, देख सकते हो। जय श्री यमुने। तो
लोगों से एक जिलेबी का 10 रुपया और गया 12 रुपया करता हुआ है। मतलब बहुत भूख लग गया ठीक है, तो वैसे कुछ नहीं खाया, 2 कप चाय पिया बस, अभी दर्शन हो गया तो खा सकते हैं, अभी टेंशन नहीं है। परोठा ऑर्डर किया, परोठा खाएंगे और निकलेंगे इधर का। जय माता दी। तो भाई लोग इधर चल रहा है 18 डिग्री, 18-17 ऐसा हो रहा है। तो दर्शन बढ़िया हो गए, अभी नीचे जा रहा हूँ। आज जाने का इधर से निकलने का था, लेकिन अभी तो शायद टाइम बहुत ही हो गया है, निकल भी नहीं पाऊँगा शायद। नीचे जा कर देखता हूँ गाड़ी वाड़ी मिल रहा है तो अभी के अभी ही निकलूँगा, क्योंकि मोटा भाई भी उधर रुक रहा है, इसलिए हम लोग को जल्दी जल्दी बद्रीनाथ जाना है। बद्रीनाथ जब पहुँच जाएंगे तो अपना टेंशन नहीं रहेगा, बिंदास करके तीनों मिल के दोनों धाम करेंगे। अभी तो हम लोगों का फिलहाल 2 धाम हो गया है, तो बहुत बढ़िया। जय माता दी, जय माता दी। चलिए, ये दुकान में मेरा बैग छोड़ के गए थे, बैग वगैरह ले लिया और टाटा। ठीक है, फाल के रहो ना यार, मेरा नेपाली भाई यार अच्छा लग रहा है यार, बेचारा मज़ा आया, थोड़ा पानी पानी किया हम लोगों ने, वो मैं वीडियो में लेना ही भूल गया यार। और सर हम लोगों के साथ गए थे और आ भी रहे, चलो मज़ा आएगा। थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है, तो बगल लो 5 किलोमीटर जैसा है सर। तो भाई लोग, ये अंकल लोग कल बिसर गए थे बट आज और फिर से मिल गए हैं। अरे अरे महादेव। तो अभी ये लोग दर्शन करने जा रहे हैं, हम लोग तो करके आ गया। चलिए अंकल, हम लोगों को निकलना है आज और फिर मिलेंगे बद्रीनाथ में। इधर भैया से थोड़ा मिले, क्योंकि यार हम लोगों का थोड़ा सा हेल्प किया था भैया ने। भैया आसाम आओगे ना, तो फोन करना, नहीं तो मैसेज करना हमको, मैसेज करना, रिप्लाई हो जाएगा, उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे फोन में। हेलो हेलो भैया, हाँ ठीक है, खबर भाल ठीक है से, आसामी सुनने से हंसता है। चलो भाई, भाई लोग देखो यार कहाँ कहाँ से आ रहा हूँ, पूरा शॉर्टकट ले रहा हूँ। और ये भी आ रहा है टॉमी भाई, आ जा। और आप लोग, तो बच्चा आ चुका था देखो, तो अब चलो। अरे रास्ता गंदा यार, ये भी ऐसे उठेगा। आ जा टॉमी, आ जा उधर से। हाँ ये मेरा वाला है, ये सोतू का सोता वाला। अरे मैं हूँ ये, अदा हीरो। चलो ज़रा दूर नहीं है। और तो भाई हम लोगों का अमीर वाला रूम में आ चुके हैं, और अभी ना गाड़ी है इधर से, रास्ता भी ब्लॉक है। बोल रहा था भैया लोग कि रास्ता आगे ब्लॉक है, तुम लोग आज रह जाओ, कल सुबह बस मिलेगा, बस से चला जाना। तो वही सीन है कि बस से सुबह चला जाएंगे। तो दर्शन वगैरह सब कुछ अच्छी तरह से हो गया है और प्रसाद वगैरह भी ले लिया है। तो चलो आज की वीडियो यही पे एंड होते हैं, क्योंकि आज रेस भी हो जाएगा, साथ में आपका वीडियो वगैरह एडिटिंग भी हो जाएगा। लेकिन इधर नेट नहीं मिलता है, कोई बात नहीं, कहीं पर नेट मिल जाएगा तो उधर अपलोड कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।